हक मरहूम जो है उन्होंने ख़त लिखा मुझे फ़खर है कि आप जैसे फनकार हमारे मुल्क में मौजूद हैं कंट्रोवर्सी हुई थी मायरा बाली आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसको इतना मीडिया में शोर मचा दिया मीडिया हाउस ने उसको ज़्यादा एक्सप्लोइ इसलिए किया कि उनकी फिल्म आ रही आर्ट और कल्चर है और खसूस एक्टिंग ड्रामा जो है ये ताजर के हाथ में आ गया बसमरमी नाज्रेन प्रोग्राम दिस सेलिब्रिटी में आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न की मुनफरद और मैं कहता हूँ अज़ीम शख्सियत ड्रामों के शहशाह और अगर मैं कहूँ कि वो अगर उनको ड्रामों से निकाल दिया जाए पाकिस्तान टेलीविज़न के तो मेरा ख़्याल है टेलीविज़न फीका फीका नज़र आएगा मेरी मुराद है बहुत ही ग्रेट एक्टर और बहुत ही खूबसूरत एक्टर मैं आज भी इनको देखता हूँ तो मुझे रश्क आता है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पहले की तरह पहले की तरह जवान मेरी मुराद है जनाब फिरदौस जमाल साहब वेलकम टू द शो जी थैंक यू सो मच ये जो कुछ आपने कहा है ये तो मैं, मैं ख़ुद भी शर्मिंदा हो गया हूँ कि ये चीज़ें तो मुझ में है नहीं ये तुम्हारा हुसन रन है बासित आपकी मोहब्बत है और प्यार है कि आपने इस अंदाज़ से मुझे इंट्रोड्यूस कराया लेकिन मैं जिस तरह आज आपसे मिला ना आज उससे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार जब आपको देखा तो मुझे यकीन जानिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं फिर दोस्त कहते हैं यार बासत तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो हालांकि हम वैसे हो नहीं सकते बड़ी तब्दीलियाँ वकूफ़ पजीर हो जाती हैं जो हम बता नहीं सकते लेकिन आपको देखा तो मुझे लगा कि नहीं मेरे से भी खूबसूरत और अच्छे नौजवान नौजवान एक्टर है आज भी नौजवान कहूँगा असल में तो ये होता है ना कि वो कहता है ना दिल होना चाहिए जवान तो उम्रा की रखे की रखे है। तो बंदे का अंदर जो है ना मैं मे, मेरी एक वैसे वैसे बुज़ुर्ग भी कहते हैं लेकिन मेरी अपनी भी अससमेंट ये है अगर आपका अंदर साफ है ना अगर आपका अंदर का शीशा है साफ़ उस पर ज़्यादा गर्द नहीं है ज़्यादा उस पर कोई चीज़ें वीज़े नहीं बनी हुई तो फिर आपका चेहरा नहीं बिगड़ता नहीं बिगड़ता तो अंदर के शीशे को साफ 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 रखो चेहरा साफ रहे साफ ही नजर आएगा बिल्कुल सही बात आपने दिल ले ले, साफ आप माशाला उस वक्त तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले चुके थे मैंने कराची से सीरियल किया था गर्दिश तो इतनी जवानी में प्राइड ऑफ लेना हाउ यू टाइम बस अल्लाह का एहसान yeah. है द द द आई एम स्टिल प्राइड ऑफ होल्डर इन कंट्री मुझे ड्रामे पे, अच्छा, अच्छा, अच्छा. पे नहीं मिला एक ड्रामे पे मुझे जहाँ से मुझे लोगों ने एक अच्छा एक्टर रिकगनाइज़ किया वो 1980 में आ, 14 अगस्त का एक स्पेशल प्ले था बरग आरजू बरग आरजू तो वो लिखा था अशफाक साहब ने तो वो बरग आरज़ू चला तो उस वक्त मेरी उम्र मेरा ख़्याल है तेईस चौबीस साल थी तो तेईस चौबीस साल की उम्र में मैंने 110 साल के बुढ़े बाबे का रोल किया था मतलब तो यंग टू ओल्ड जिसमें लड़का भी है फिर मिडिल एज भी है फिर उसके बाद वो 110 साल का बाबा बनता है तो वो था पाकिस्तान के बारे में 14 अगस्त पे था तो वो लोगों को एक सरप्राइज़ उन्होंने कहा ये कौन है यहाँ तक कि हमारे आर्टिस्ट बड़े अच्छे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदर अफजायल साहब अफजायल अहमद वो मुझे तीन दिन तक ढूंढते रहे वो एक दिन मैं आर्ट्स काउंसिल में रिहर्सल कर रहा था तो वो कह लगे आके बैठ के मुझे देख रहे हैं मैंने कहा जी क्या हुआ अफजाद साहब नीचे क्यों बैठे कहा था नहीं यार मनु बनू ही रहने दे मैं, दे, मैं कहा आप क्या देखा थे दे? 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 मैं हैरान हूँ आपने मुझे धोखा दिया मैंने किस तरह मैंने तो आपके साथ कोई धोखा <laughs> नहीं किया कह नहीं यार वो तो मैंने जो ड्रामा किया जो रोल किया मैं शुरू से देखता रहा और आखिर तक मैं सोचता रहा ये एक्टर है कौन ये किधर से आया ये कर क्या रहा है ये कौन एक्टर है तो मैंने स्क्रॉल का इंतजार जब स्क्रॉल पे नाम मैंने पढ़ा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार आपने मुझे भी धोखा दिया इतना मतलब खूबसूरत गेटअप था आपका। इतना गेटअप आप और परफॉर्मेंस क्या आवाज भी बदली आवाज बदली और चूंकि देखे बड़ी अर्ली एज में तेईस चौबीस साल में की उम्र में एक सौ दस साल का बाबा, बाबा बन जाना बाबा। तो वो कहने लगे मुझे तो हैरत हुई तो वो जिस तरह शख्साद लहर फरमाते हैं ना कि इल्म की इंतहा हैरत है तो आलिम वो कहलाता है जो इंसान को बात करके हैरान कर दे इसी तरह फनकार अपने काम से अपने आर्ट से जब लोगों को हैरान करता है तो फिर वो फ़नकार कहलाता है अदरवाइज तो फिर वो सब बस ही हैं अच्छा फरदोस इश्फाक साहब बहुत ग्रेट राइटर थे और मैं समझता हूँ कि जो वो राइटर थे आज का राइटर वो नहीं है वो जो एक कौम की तरबियत करना एक मैसेज देना नस्ल को बनाना वो सारा कुछ फिरदौस जमाल के उसमें से देखते थे वो आके यानी उनकी अगर आप देखें कि उनके अगर ड्रामे मशहूर हुए मकबूल हुए तो मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसे ड्रामे थे जिनको आपने परफॉर्म किया नहीं मेरे अलावा भी उन्होंने क्योंकि वो तो शुरू से पीटीवी शुरू हुआ है तो उन्होंने ताली थल्ले और पत्नी बहुत सारे हाँ, हाँ ड्राम हाँ, 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 में उन्होंने और फिर लेकिन ये है कि जो बड़गे अर्जू जो उनका है ड्रामा एटीन मतलब चौदह अगस्त के सिलसिले में उससे जो है ना उनको बहुत ज़्यादा चूँकि पाकिस्तान के मतलब था तो बहुत ज़्यादा अप्रीसीशन उस उनकी भी हुई और मेरी इतनी अप्रिसशन हुई कि मुझे उस वक्त जो सदर थे सदर पाकिस्तान जनरल जियाल हक मरहूम जो है उन्होंने ख़त लिखा अच्छा खुद लिखा ख़त जी यार वो मतलब चौदह अगस्त पे एप्रिसिएशन लेटर के और उर्दू में उन्होंने लिखा था अपने लेटर हेड पे कि मैं सदर पाकिस्तान आप मैं खुद हैरान हूँ और मैं सलूट करता हूँ और मैं मुझे फख्र है कि आप जैसे फनकार हमारे मुल्क में मौजूद हैं एक मुनफरद तो है मैं ये एजाज मेरा ख्याल है किसी के पास नहीं है शायद अदाकारों में जो मुझे हासिल हुआ फिर यंगस्ट एज में अच्छा फिर दोस्त वहाँ से पश्तो बोलने वाले टिपिकल पठान <laughs> और यहाँ पंजाब में आकर आप एकदम से माशाल्लाह जो सीरियल आपने मुझे याद है किया था वो वारिस

मुश्किल नहीं पेश आई पंजाब में एडजस्ट उस वक्त नहीं आती थी मुझे पंजाबी अच्छा। नहीं हाँ पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी तो वो फिर मैं वो मुझे कास्ट कर ली वो पहला मेरा सीरियल था लाहौर से क्योंकि पहला मेरा सीरियल पेशावर से था पश्तों में रखे लारे ये गुमशुदा रहा है तो ये चिड़िया दर चंपा मैंने यहाँ आके तो पहले मैंने किया था एक मब्सो अफसान में पहली बार मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने करे उन्होंने एक मोहब्बत सोफ सा ने मुझे बुलाया था आ, तो वो मेरा कोई पश्तो ड्रामा देख के एहसास एक ड्रामा पश्तो का मैंने किया था वन मैन परफॉर्मेंस अच्छा उस वक्त ये बड़ा अजीब था लोगों के लिए कि एक आदमी अकेला पच्चीस मिनट का ड्रामा पश्तो मैंने किया था आई वॉज द ओनली कैरेक्टर सारी सुरलोकी जिसको हम कहते हैं खुद कलामी थी उसमें तो वो देखा था एम ने उन दिनों ये अलाकई प्रोग्राम भी चलते थे तो उन्होंने देख के फिर टेलीफोन किया प्रोग्राम मैनेजर को पेशावर के कि लड़का कौन है उन्होंने कहा जी ये रेडियो पे भी काम करता है हमारा बड़ा अच्छा एक्टर है और लीडिंग एक्टर है इस पेशावर टी का तो उन्होंने पूछा कि उर्दू आती है उसने कहा जी रेडियो पर उर्दू में ड्रामा करता है और अनाउंसमेंट कंपेयरिंग भी मैं करता था पेशावर रेडियो पर पे, उर्दू में तो फिर उन्होंने कहा जी मेरी बात करा तो उन दिनों वो कर रहे थे एक मोहब्बत साफसान है तो फिर Uh, ये सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स की बात सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स का तो मुझे फिर uh, उन्होंने फ़ोन किया कि जी मेरी बात कराएं मैंने बात की तो मुझे कहते काका वो मैं वो कर रहा हूँ uh, uh, ये मेरा सी, सीरीज मेरी चल रही है एक मोहब्बत अफसाने वो भी अशफाक साहब की थी अशफाक साहब एक मोहब्बत ये देखिए ना अशफाक साहब मेरी जिंदगी में उनका क्या कैरेक्टर है कि मुझे जहाँ भी अप्रिसिएशन मिली वो तो आपको सामने रख के प्ले लिखा वो अशफाक साहब के ड्रामे में जो ये, ये रोल फिरदौस ने ही करना है और कोई नहीं करना, नहीं करेगा स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होता था हाँ। कि ये रोल फिरदौस जमाल करेगा बाकी जिसको मर्जी कास्ट <laughs> का यानी मेरे लिए आज भी वो पी टी वी की लाइब्रेरी में वो जो उनके स्क्रिप्ट जो उनके पड़े हुए हैं तो उनके हाथ के लिखे हुए तो उन पर लिखा हुआ है फिरदौस जब आप यहाँ आए थे तो उस वक्त बड़े बड़े नाम तो होंगे यहाँ पर चल रहे थे जब आपने तो अपने आप को आती जो स्टैब्लिश करना ये बड़ा मुश्किल हुआ बहुत मुश्किल है। पेश है तो कौन कौन से लोग उस वक्त थे जब आप पहुँचे यहाँ पर पंजाब मैं मतलब तो उस वक्त तो कवि साहब आबिद अली सलीम नासिर और आसिफ रजा मीर काफ़ी काफ़ी थेमान फिरजादा वगैरह खैर लेकिन ये थे कि जो एक्टर्स थे वो सलीम नासिर कवि साहब जााह और आबिद ये मतलब है कि मजबूत एक्टर थे तो मेरा भी चूँकि मेरा ख्याल <coughs> यही है आबिद अली और उधर से कराची से सलीम नासिर की आप बात कर रहे हैं और नासर तलत हुसैन तलत तलत मेरा ख्याल ये उस वक्त हमारी टॉप क्रीम थी इस वक्त लेकिन मैंने तो आगे जगह बनाई हाँ मैं मतलब है मैं तो आके एक तरह से ना मैंने मैंने के को सर किया चोटी सर की मैं Naturally, एक तो एक मोहब्बत करने के बाद स्पीकिंग आदमी यहाँ आकर फिर एडजस्ट होना फिर बड़ी बात वो मैं चला गया था वापस एक मोहब्बत साफ़ानी में माह गिना करने के बाद तो मुझे निसार साहब ने सिर्फ कहने लगे काका तू इधर ही रह जा मैंने कहा निजी उधर मेरा घर है अजीज रिश्तेदार माँ बाप सारे और मैं वहाँ रेडियो पर भी काम करता हूँ टी वी पर भी करता हूँ तो यहाँ आके मेरा तो कोई मैं मेरा कोई जानने वाला ही नहीं था दाता साहब के सरकार वो है, 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 मेरे बात, जानने वाले बात है। तो औलिया से मेरी एक नस्बत और ये मोहब्बत अल्लाह की है मेरे वा, वाले देन की भी वालिद साहब खास तौर का सौदा अब वो इसीलिए डायलॉग तो याद सुना है ना वो जो बड़ा खूबसूरत डायलॉग था मुझे काफी यादगार था बड़े बड़े उसमें तो बहुत सारे वो कहता है मुर्शिद कहते जी मुर्शिद कौन होता है कहते हैं मुर्शिद बाप नहीं होता जो तुम्हें पालता है खिलाता है तुम्हारी परवरिश करता है मुर्शिद उस्ताद भी नहीं होता जो तुम्हें पढ़ाता है लिखाता है अरे मुर्शिद तो बस देखता है और बंदा बदल जाता है बदल जाता है वाह तो हमें भी बस देखा किसी ने किसी मुर्शिद ने देखा और बदल अच्छा तो फिरदौस लोग कहते हैं कि फिरदौज दिलीप कुमार को कॉपी करता है दिलीप कुमार को मामूली चीज़ नहीं अगर आप कॉपी करते हैं बड़े है। की बात हाँ। बड़े एजाज़ की बात है मैं हर अच्छे अदाकार को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कोशिश जरूर करता हूँ वो इस वजह से कि देखें ये जो हम पढ़े पढ़ते लिखते हैं ना तो हमें पहले हमारे जमाने में तख्ती होती थी तो तख्ती हमें कच्ची करके देते थे पेंसिल से है ना सही बात तो वो कच्ची करते थे ना हाँ। तो फिर हम अलिफ पे अलिफ लिखते थे हाँ। बे पे बे लिखते थे तख्ती तो पर जब गाची लगाते थे हाँ तो गाची वाले फिर धोते थे गाची लगाए तो ये अदाकारी भी या दुनिया का कोई काम भी जो है ना ये भी पहले तख्ती लिखना है लिखना। पहले कच्ची करनी पड़ती है तो आपने देखा ना कि अलिफ पे अलिफ जो हमसे पहले लोग थे हमें उन्हें देखना होता है हम उन कोशिश करते उन जैसा बने जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे जो है ना अपने बाप को कॉपी करते हैं नकल करते हैं कि बाप उनका ऐसे आता है घर में इस तरह आता है या बुज़ुर्गों की कुछ जिस तरह मेरे मैं, मेरे बचपन में होता था मुझे नकल करने का बड़ा शौक था ये नकाली जो है ये बुनियाद है अदाकरी. अदाकारी अदाकारी जो अच्छा नकाल होगा वो ही अच्छा अदाकार होगा चूँकि हम झूठ को है ना ये झूठ को सच बना कर साबित करने वाले लोग हैं यानी मेक बिलीव कराने ये मेक बिलीव की थीरी है टू मेक बिलीव लोगों को यकीन दिलाना कि मैं ये हूँ अगर मैं काश्तकार हूँ तो मैंने काश्तकार बन के दिखाना है अगर मैं लोहार हूँ तो मैंने लोहार बन के दिखाना है मैं मकैनिक हूँ तो मैंने मकैनिक बन के दिखाना है डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बन के दिखाना तो यही है यही मुशाह होता अदाकार तो यही तो है इसी तो इसी तरह मतलब दिलीप कुमार हो गए मोहम्मद अली हो गए और हमारे दौर के जो हमारे बचपन के जो हमारे अदाकार थे दिलीप साहब को तो मैंने खैर बहुत बाद में आके देखा उनके बारे में हम सुना करते थे चूँकि सिक्सटी में मैं मेरा ख्याल आठ नौ साल का था तो या दस ग्यारह साल का तो फिल्में बंद हो गई थी तो हमने नहीं देखा था दिलीप साहब को ये इंडियन एक्टर्स को नहीं देखा था तो अब ये पाकिस्तानी ही सारे देखे बीच वह पाकिस्तान आए थे वो जब नूरजहाँ से मुलाकात हुई वो तो बहुत, बाद, बाद, वो है। बहुत नहीं, बाद में आए नहीं वो तो हमने लेकिन उस वक्त तो आप सही कह रहे हैं कि उस हमने तो मतलब इंडियन फिल्म ही नहीं देखी थी ना बचपन में मुझे याद है चार पाँच साल की छः साल की उम्र में बाप मुझे गोद में उठा के शायद ले जाते थे या दिखाने के लिए तो वो मेरी वो मेमोरी में नहीं थी तो हम सुना करते थे हाँ। कि दिलीप कुमार हैं बड़े बड़े एक्टर हैं बहुत ज़बरदस्त हैं तो हम तस्वीरें देखा करते थे उनकी मतलब मुख्तलफ़ रिसालों में तो वो फिर पहली फिल्म जो आ, हमने देखी जिसके लिए मैं पेशावर से आया जब अमृतसर टी वी शुरू हुआ लाहौर तो अमृतसर से तो जब मोगल आज़म चलते हाँ। थी तो मैं पहली बार लाहौर दूसरी बार बल्कि एक बार मैं पहले तो मैं फ़िल्म देखने आया था मोगल आज़म पेशावर से दिलीप साहब को देखने आया था ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था फिर इसी दौरान मैं फिर एम एन एच से मिला था फिर पी टी वी आया था लेकिन उससे पहले मैं एक ड्रामा करके गया था अच्छा। तो मैं ड्रामा नहीं करके गया था उन्होंने मेरा उपस्ज तो ड्रामा कोई देखा था तो वो फिर मैं मिला था एम एन एच से भी मैंने कहा चलो इसी बहाने मुग़ल आजम भी देख लेंगे फिर मुझे उन्होंने कहा था अच्छा मैं बुलाऊँगा फिर मैं वापस चला गया फिर उन्होंने एक मोहब्बत मबसारे दोस्त आपने मेरा ख्याल कोई नेगेटिव रोल ज़्यादा नहीं किए नहीं जी मेरा सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल तो उसी से तो मशहूर हुआ था वो? वारिस का, वारिस का। चौधरी अनवर हाँ। और मुझे मजा आता देखें लेकिन जैसे मैं उस तरह रहा हूं कि मैं हो जाते हैं है। जिस तरह ओल्ड गेटअप के हाँ वो ज्यादातर हीरो बनने नहीं आया था मैं एक्टर बनने आया था एक्टर में और हीरो में जमीन आसमान का फर्क है की दीज हीरो they admire the immature minds with their lustious looks but they are no actors तो हीरो मास्टर होता है मीस्ट्रो हनरमंद होता है जिसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं उसको वो तवायफ नहीं वो सिर्फ लोगों को लुभाने वाला अपने लुक्स से अपनी आवाज़ से अपनी चाल से उससे लोगों को इंस्पायर नहीं करता अपने आर्ट से इंस्पायर करता है एंड दैट इज इसे हालांकि मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी आ, मैं कोई इतना बदसूरत भी नहीं था मेरे पीछे काफ़ी लोग मुझे पसंद करते थे फैंस मेरे काफ़ी थे जवानी में लड़कपन में एंड uh, पठान बच्चा मतलब <laughs> माशाल्लाह अभी आप इतने खूबसूरत प्यारे हैं तो तो मैंने तो तो आपको उस देखा बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो वो ये नहीं था तो वो मैं कहता था नहीं है ना जिस तरह ऑस्कर वाइल्ड कहता है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील्ड द आर्ट एंड द आर्टिस्ट टाइम खालिक अपनी तखलीक में छुप के खूबसूरत नजर आता है अगर वो खुद पेंटर जैसे जैसे डाविंची है पिकासो है तो उन्होंने कभी अपनी तस्वीर नहीं बनाई मोनालिजा डाविंच की तस्वीर तो नहीं है वो तो उसकी तखलीक है तो अगर मोनालिजा की बजाय वो अपने आप को पेंट करता तो आज वो लिनाडो डाविंची ना होता इसी तरह पिकासो पिकासो ने अपने आप को नहीं पेंट किया उसका आर्ट है इसी तरह एक्टर जो है एक्टर वो होता है जो अपनी की नफी करता है अपने आप को नहीं पेश करता अपने आप को छुपा के किरदार को सामने ले आता है ये आर्ट है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील्ड द आर्ट एंड आर्टिस्ट स्टेन छुपा के रखो अपना आर्ट दिखाओ अगर अपना आप दिखाओगे तो कब तक दिखाओगे लोग उकता आ जाएंगे कि यार ये तो एक ही जैसा है यार है ना इसीलिए दिलीप साहब अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे उनको सेहत तंदुरुस्ती दे आ बहुत बीमार भी हैं आजकल तो वो जो है उन्होंने यानी उनके साथ आए हुए जो उनके बाद के आने वाले हैं। उन्होंने हजारों फिल्में कर हाँ, लेकिन उनकी 50, सिक्सटी फोर फिल्में और वो तकरीबन और कितने बरस कितने बरस काम किया यानी सत्तर साल साठ सत्तर साल में यानी साठ फिल्में होना ये कोई बात तो नहीं है ना लेकिन वो जानते थे और जानते हैं कि ये काम क्या है इसमें आपने अपने आप को बदलना है

नहीं जाते बोल रहे हैं गुफ्तु कर रहे हैं तो मुझे साहब याद आ रहे हैं <laughs> जब शाक साहब कभी बैठे होते थे ना तो जब वो शुरू होते थे ना तो हम कहते थे अब बोला नहीं किसी ने बीच में वो ऐसे आज आपने बड़ी अच्छी गुफ्तु की उस लिहाज से फिर दोस्त आप माशा आपने तो एक चीज़ जो है वो ये है कि आप बाजुकात सच बोलते हैं अक्सर मिल के बोलते हैं और सच बाजू का कड़वा भी होता है और जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी मायरा वाली आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसको इतना मीडिया में शोर मचा दिया और वो एक जिसे कहते हैं कराची और लाहौर पंजाब का चक्कर बन गया यू वट क्या मतलब आपटली थी या आपने रूटीन में बात की थी नहीं मैंने तो रूटीन में बात की थी और मेरा कोई मकसद भी किसी को रेडी क्यों नहीं क्यों था। मैं मुझे जरूरत ही नहीं आगा। थी आगा। वो कोई हीरोइन की बात चल रही थी तो मैंने यही कहा था कि मैंने कहा वो मतलब है कि उस क्लास में नहीं आती क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है आ, और जो चूंकि जो जो हीरोइन का हमारे जहन में ना, वो तो टीनेज लड़की है ना? हाँ, सही। तो वो जो, आ, एक जो है, और इस तरह से उसके बाद वो हीरोइन नहीं रह नहीं रह सके नहीं कपूर को लेने क्या खूबसूरत लेकिन जब से शादी हुई है कोई फिल्म नहीं चल रही नहीं ये दीपिका जो है जब उन्होंने शादी की अदाकारी छोड़ दी मतलब हीरोइन बनना छोड़ बनना छोड़ दिया लेकिन जब तक वो हिरोइन आती रही उसने शादी नहीं, शादी नहीं की क्योंकि कुदरती बात नेचुरल फ्लेयर होता है उम्र का एक, वो वो एक, वो आप में एक, एक और, और वो जो लड़कपन है हाँ। वो लड़की हैं कुड़ी पुणा जिसको लड़की की अपनी एक एज होती है वो हीरोइन की मेरे नजदीक वो है तो उसके बाद फिर वो एक्ट्रेस एक्टर और चीज है हीरो ठीक है ना तो इस वजह से वो किसी ने कहा थे, मैंने कहा नहीं वो अभी मतलब है कि उसकी वो उसको चाहिए कैरेक्टर रोल का अपन अपनी शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस ये नहीं कि वो बुरी एक्ट्रेस शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस मैं आज भी मैंने कोई उसमें नहीं जैसे आप मुझे कहते हैं बादश साहब यार उम्र रसीदे अब ये जवानों वाले रोल ना करें तो बादश साहब को माइंड करने की क्या जरूरत है ऐसी बात है कोई चीज़ें होती हैं और मैं समझता हूँ अख्तलाफ राय जो होता है अच्छा हुसन होता है वो अख्तिलाफ राय होना भी चाहिए अगर आप किसी की वजह तारीफें करते रहें तो कोई इसमें तो मतलब होती है वो तो मुनाफकत और मैं मुनाफिक आदमी हूं नहीं वो असल में उसको एक चैनल ने एक मीडिया हाउस ने उसको ज्यादा एक्सप्लॉयट इसलिए किया कि उनकी फिल्म आ रही थी अच्छा। उसकी ये हीरोइन तो थी तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक्सेप्ट हो जाए फिरदौस जमाल का ये कहा तो हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी फ्लॉप हो जाएगी तो वो उसके पीछे उनका कमर्शल जो है ना वो कॉज था इसलिए उन्होंने मुझे झूठा साबित करने के लिए अपना वो जो कहते हैं टिल लगा लिया एड़ी, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और उसी बहाने उनको वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी भी चाहते थे फिरदौस की जो मैं समझ लू खिदमत हैं या फिरदौस का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए है छोटी स्क्रीन के लिए है मैं समझता हूँ कि ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसके ऊपर वो उनको इतना मेरा ख्याल सीख पा होने की ज़रूरत थी या इस तरह तूफ़ान बपा करने की ज़रूरत थी बट एनी वे मैं मैं बात हाँ, हाँ। 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 से उसकी वजह बुनियादी बताता हूँ इस वजह से ये सारा कुछ हुआ कि जो आर्ट और कल्चर है और खसूस एक्टिंग ड्रामा जो है ये ताजर के हाथ में आ गया हाँ ये बढ़िया आपने कमाल की बात की तो ये तजारत क्योंकि बन गई है तो तो मैं ये कहता हूं के ड्रामे के ताजर ने ड्रामा लाहौर से और कराची से ले जाकर कराची के नेपियर रोड पर बिठा दिया ड्रामे को ड्रामा को बहुत जबरदस्त चीज थी पीटीवी ड्रामा जो था और पीटीवी ड्रामे पी -टी -वी, टी -वी, पी -टी वी का जो अवॉर्ड होते थे अभी मैं रिसेंटली एक शो देख रहा था कि लॉस वेगस में हुआ था एक तरफ हमारे पी टी अवार्ड होते थे आगे हाँ। यकीन जानिए एक, एक इंसर्शन आता था जब आप कैटेगरी का नाम ऐलान करते थे कि ये बेस्ट एक्टर कौन हाँ। है कभी जनाब एम एल एच पे लाइट पड़ती थी कभी हाँ। यावर याद पड़ती थी क्या बात थी और आज हम नकल करते हैं हिंदुस्तान की नकल कर रहे हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं ये अवार्ड वगैरह वो अंग्रेज़ बन रहे हैं नहीं लेकिन उनका उनकी खूबसूरती ये है मैं समझता हूँ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की लेकिन आज तक उन्होंने कोई अवार्ड इंडिया से बाहर नहीं किया बाहर नहीं किया दिस दिस आल्सो हमारे यहां एक चैनल जो है वो अपने अवार्ड बाहर करता बाहर करते इसीलिए इसी मतलब यहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज गरीब मुल्क है ना ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों लेकर बाहर जाता कहां से आता अब ये पता करना चाहिए कि क्या इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होती मतलब ये एक सवाल पैदा होता है ना

दयानदार और ईमानदार हुकूमत हो और लोग हों करता धरता इस मुल्क के तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस गरीब मुल्क गरीबों का पैसा खून पसीने की कमाई बाहर कौन कौन लेकर जाता है और किस किस ज़रिए से लेकर जाता, जाता है तो मेरे ख्याल में लोग अमीर हो मुल्क जाते हैं और मुल्क गरीब हो जा मुल्क गरीब हो जाता है अच्छा फिर फैमिली के बारे में माशाल्लाह जी हाँ अलहद एक मेरी बीवी है एक ही है। वो एक ही है। आ, मैं कहीं गया मैदान में कहीं अफसोस हो रहा था तो वो बड़ी जल्दी से हंस रहे खेल रहे इधर तो मैंने साथ बैठे थे कोई बड़े प्रोफेसर सीनियर थे बैठे मैंने कहा यहाँ कोई चेहरा सोग वाला बना के और बहुत ज्यादा कर बंगे इस किस्म की चीजें कहते हैं, नहीं ख़ास यहाँ जानते हैं लोग की बीवे तो चार हो सकती हैं तो एक चली की तो क्या हो गया <laughs> मुझे बड़े हरारी हुई तो so, मैं भी मतलब कि आप पश्तून हैं तो एक ही मैंने कहा यार वो एक ही है अलहमदिल्ला वो संभाल ले वो भी बहुत है तो दो माशाल्लाह मेरे बेटे हैं हमजा फिरदौस वो भी अ फाइन एक्टर वेरी गुड एक्टर कुछ काफी तीन चार पांच सीरियल काफी ड्रामों में काम अच्छा दोनों बेटे आपके में आए आए अच्छा, उससे छोटा शोबिल चेंज कर दा मतलब जो शोबिज का नाम है उसका बाजिल है बाजिल इसलिए कि मेरे वाले साहब का नाम था बाज मोहम्मद खान अच्छा तो बाज मैंने मैंने कहा उसने तो मैंने कहा यार बाजिल से हाँ। बाज मोहम्मद खानी बाज भी आ जाए ना बीच में हाँ। बाज वैसे ही ईगल को कहते हैं दो बेटे दो बेटियाँ दो बेटे दो बेटियाँ माशाल्लाह एक बेटी ने एनसीए से किया हुआ है मास्टर डिग्री की हुई है अकाउंट उसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, में। तो कोई ऐसा जो चीज़ आप समझते हो कोई ऐसा रोल जो आप अभी भी करना चाहते हो हाँ इसलिए कि फनकार तो जो होता है वो आखिरी सांस तक फनकार ही होता है और मेरी फितरत के लोग जो है ना मैं तो इनोवेशन का कायल हूँ हर दम जो है ना आप अपने आप को बदलें कोई नई चीज़ करें कोई मतलब कोई 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 आप कोई नई जहत अपनाएं कोई नई डायमेंशन बनाए है ना जी कोई नया लिबास पहने कोई नया बहरू भरे कोई नवा स्वांग सुवान परिए इतने ड्रामे चल नहीं सकिए चल नहीं सकिए कोई नवा स्वान पर अच्छा वर्दोस ये बताइए कि जो आ, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुमताज़ डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया लाहौर में तो मैं समझता हूँ जो डायरेक्टर थे मेरा ख्याल है कि वो कोई ऐसे नहीं थे कि तालीम याफ़्ता या कहीं से बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए हों तो अब तो जमाना कोई डिफरेंट हो गया वो ज़माना जिस दौर में आप काम करते थे डायरेक्टर्स they they, से, से बहुत आगे थे मसन एम एन एच मोहम्मद निसार हुसैन उन्होंने बी बी सी पे काम किया हुआ था और पहला बंदा है पाकिस्तानी जिसने रॉयल अकेडमी लंडन से एक्टिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी अच्छा जी वॉज एन एक्टर बी बी सी परम किया था वो यहां प्रोड्यूसर थे मोहम्मद निसार हुसैन जिन्होंने मुझे पेशावर से लाहौर बुलाया इसी तरह यावर हयात यावर हयात अनवर कमाल पाशा जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर रह, रहे हैं और राइटर रहे हैं इनके आ, 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 हकीम अहमद शुजा इनके नाना थे यानी पाशा साहब के अनवर कमाल पाशा के जो वाले थे हकीम अहमद शुजा जिन जिनसे सौराब मोदी फिल्में लिखाया करते थे इंडिया में पुकार और पत्नी कौन कौन सी फिल्म वो इनके नाना ने लिखी थी तो उस घराने में यानी और आ, बड़ा कमाल उनका पाशा उनका जो है वो मामू, मामू। इतने सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर जब टीवी वी भी नहीं था हाँ तो वो इनको इन्होंने असिस्ट किया हुआ था उनको इन्होंने जब ग्रेजुएशन की तो फिर साहब ने उनको कहा कि मेरे साथ तुम असिस्टेंट उनको बनाया तो वही थर्ड फोर्थ असिस्टेंट थे तो फिर टीवी जब आया पीटीवी तो उन्होंने मतलब इंटरव्यू दे दिया प्रोड्यूसर के लिए तो सिलेक्ट हो गए तो ही वाज हाईली क्वालिफाइड और वो पढ़ते बहुत थे उनका नॉलेज और फिर वो चूँकि पाशा साहब के साथ बैठते थे और नाना उनके हकीम अहमद शुजा तो ब्लड में क्या चीज़ उनके और फिर डायरेक्शन हो तो घर की मतें लौंडी थी ना तो हमने मैंने जाती तौर पर बहुत ज्यादा अगर सीखा है तो अल्लाह अला जनसीब करे यावर साहब को मुझे बड़ा एहसान है मैं उनके साथ बहुत बैठा हूँ वाकई हम वो एक हमारे लिए क्लास रूम होता था उनका कमरा पीटीवी लाहौर में उनको वैसे तो, उनके साथ बैठ के लगता था कि पढ़े लिखे आदमी वो हमारा क्लासरूम था ना तो मैंने उनसे यानी ड्रामे के बारे में मेरा जितना भी नॉलेज है जो इन्फॉर्मेशन है और जो मोटिवेशन है ये सब उनकी क्योंकि उन्होंने यार साहब ने, ने कहा था कि आ, तू आ, कि शोहरत वस्ते तुम शोहरत के लिए आए हो फेमस होने के लिए आए हो हीरो बनने के लिए आए हो तो मेरे पास जवाब नहीं था मैं क्या बनने के लिए आयो या एक्टर बनने के लिए आए हो तो मुझे हीरो और एक्टर के फ़र्क का नहीं पता था अच्छा मैं हीरो को समझता था वही एक्टर वही एक्टर होता है फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हीरो और होता है एक्टर और होता है तो तुम एक्टर बनो हीरो मत बनो सिर्फ तो फिर चूँकि एक्टर जो है वो हीरो भी बन जाता है और भी सब कुछ बन जाता है हीरो सिर्फ हीरो जो है वो सिर्फ हीरो ही होता है अच्छा फिर दोस्त एक बात मुझे बताइए कि आ जो हमारे फिल्म के उस दौर के जो अदाकार थे जिसमें वहीद मुराद ले रहे हैं मोहम्मद अली साहब को ले रहे हैं नदीम साहब को ले रहे हैं ये उस वक्त रूल करते थे बहुत ज़्यादा लेकिन ये टीवी से नहीं थे जिन टीवी के अदाकारों ने आप भी थे आबिद अली भी थे औरंगज़ेब रंगू भी थे जो कि उस वक्त कवि खान साहब थे बहुत में काम किया लेकिन वो अरूज जो इन लोगों ने हासिल किया टी वी की अदाकार हासिल नहीं कर सके इसकी क्या वजह थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब फिल्म थी तो टी वी नहीं था न थिएटर था थिएटर होता था बहुत कम रेडियो था या फिल्म थी फिल्म थी तो फिल्म चूंकि वाहिद एक विजुअल मीडियम था हाँ उस वक्त तो उस वक्त सब लोग सिनेमा ही जाते थे तो इसलिए वो सुपरस्टार सुपरस्टार बन सूपरस्टार गे। बन गए गए तो जब टीवी आया तो वो फिर लोग टीवी तो की परफॉर्मेंस तो 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 दे तो दे तो देखें तो एक फिर एक तरफ करें बाकी सब एक तरफ करते नहीं लेकिन मतलब फिल्म में पापा अलाउद्दीन को आगा तालिक साहब ये बड़े कैरेक्टर एक्टर हाँ खैर ये उस लिया साहब तो उस ब्रीड में नहीं आते <laughs> लेकिन बहरल पापा लाउदीन और साहब तो ये बड़े मजबूत एक्टर करतार सिंह और डिफरेंट क्या तो ये मैंने जो कैरेक्टर एक्टिंग है वो उनको देखी मतलब सीखी क्या कि इस तरह भी हो सकता है क्योंकि उस जमाने में मेरे आइडियल कौन थे मोहम्मद अली साहब सुधीर और वहीद मुराद बेग साहब को भी तो हम हीरो तो फिर जब मैंने पापा अलाउद्दीन को देखा इनको मैंने कहा यार ये एक्टर ये यार। हर फिल्म में अलग ही नज़र आते हैं ये एक जैसे नज़र आते हैं फिर कभी साहब आए कवी साहब बहूरानी में उन्होंने यंग टू ओल्ड किया था तो जब मैंने कभी साहब को देखा और ये टीवी से आए थे तो इन्होंने जो ओल्ड कैरेक्टर किया बड़ा अच्छा कमाल किया कमाल का बहुत ज़बरदस्त किया उन पर अवार्ड भी उनको मिला था तो वो मैंने कहा यार नहीं ये बनना चाहिए एक्टर जो है ना ये हीरो नहीं बनना चाहिए एक्टर बन वो जब इसीलिए जब यावर साहब ने मुझसे सवाल किए कि मतलब तुम क्या बनने बनने आए हो हीरो बनने आए हो एक्टर बनने आए तो मैं बनना तो एक्टर ही चाहता हाँ। था लेकिन मेरे पास उस वक्त लफ्ज़ नहीं थे क्योंकि मुझे उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं आती थी ना इतना मैं एक्सपोजर था मेरा पेशावर से मैं आया था नया नया तो फिर मुझे यावर साहब ने समझाया कि एक्टर क्या होता है हीरो क्या हो अच्छा बिरदाजमल टाइम की किल्लत है इतनी खूबसूरत बातें हो दिल करता है बात करते ही जाएं। लेकिन कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें पाकिस्तान की कौम के लिए बस यही है कि इस मुल्क से प्यार करें दुनिया का मदीना की रियासत के बाद वाद पाकिस्तान मुल्क है दूसरा जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है तो इसकी इज़्ज़त करें इसकी कदर करें और इसकी कुर्बानियों को याद इसकी कुर्बानियों को इसके लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं याद वो याद रखें और ये बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है और अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं हम तो उसके नाम पर बना है तो ये इसकी ख़िदमत करना और इससे प्यार करना पाकिस्तान से मैं समझता हूँ इबादत है तो इस इबादत को जारी रखें बहुत छोड़े नहीं नहीं तो काफ़र हो बहुत शुक्रिया फिरदौस जमाल ये थे फिरदौस जमाल पाकिस्तान के लीजेंडरी और आ, कमाल के एक्टर हैं मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ और अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे तो इन श्रा अगले प्रोग्राम में हम एक नई शख्सियत एक नए एक्टर के साथ हाज़र होंगे जब तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़